व्हाट्सएप वाइस। तो कैसे हैं आप लोग, क्या हाँ स्टाइल और हाँ वीडियो एंजॉय करेंगे हम गेटिंग मैरिड Q&A 2022, जिसके अंदर मतलब क्या शादी हो रही है इस पे क्या जवाब देते हैं कैरी मैथी, हाँ क्या 2022 में कैरी कुछ मैथी दिन शादी पहले होगी। कैरी ने एक वो हैशटैग वो किया था कि ये हैशटैग यूज करके आप अपने ट्विटर पे ट्विटर पे Q&A कि कौन से गूगल। क्वेश्चन, तो जो सबसे ज्यादा डिमांड आएगा उनके आंसर्स दिए जाएंगे, हाँ और क्या पता 2022 में कैरी मैथी की शादी हो रही हो। तो हाँ ये जरूर तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में है, चैनल पर है तो प्लीज सब्सक्राइब। ये वाला क्यों ने कैरी का क्यों ने हमेशा मस्त हो मजेदार रहे होता है। एक वो हैं। बढ़िया था कि कितना कमाते हैं यूट्यूब से, तो उसमें ऐसे सिक्के गिरा रहते ना। हाँ तो देखते हैं 2022 का Q&A, और आप कमेंट करके बताना जरूर आपको वीडियो कैसे लगी, और वीडियो आप सजेस्ट कर यस सकते हो फटाफट से कर दो लाइक, एंड नए हो तो ओ सब्सक्राइब। भाई साहब याद है सब कुछ, 1 2 3 गो। ओनली फॉर एंटरटेनमेंट। हेलो शार्क्स, क्या आप कभी अपने फादर से पिटे हैं? तो शार्क्स, एज यू नो, बीइंग अ मिडिल क्लास फादर, अपने बच्चे को पीटना एक हॉबी बन चुकी है। पर आप कितनी बार चप्पल फेंक के मारेंगे? डैमेज इज ऑलमोस्ट जीरो। उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रेजेंटिंग आउच मम्मे, घड़ियाल की चमड़ी से बनी है यूनिसेक्स बेल्ट, एक फादर की ना सिर्फ हथियार बल्कि दोस्त भी है। आप इसे किसी पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं सर, ये बेल्ट निशान नहीं छोड़ती। अरे वाह, देखो एक दो फंडामेंटल क्वेश्चन अभी भी है। उस वजह से आई एम आउट। परसेंट ठीक है, 1% डेट, 1 करोड़ डेट परसेंट, 1.5% मैं मैच करता हूँ, बोल दो शाख के साथ। बट सर, हमारा एक ड्रॉबैक है, हमारे कंपेटिटर्स ने टेस्टिंग के लिए गर्लफ्रेंड बना रखी है। ओ, हम भी बना लेंगे। सर आप गर्लफ्रेंड बनवा दो, 100% इक्विटी ले जाओ, 100% इक्विटी ले जाओ, गर्लफ्रेंड बनवा दो। ठीक है, डन, लेट्स गो। आप सबका स्वागत है सवाल जवाब के एक नए एपिसोड में। तो कुछ दिन पहले मैंने ट्विटर पे पोस्ट किया था कि #acarry इस्तेमाल करके अपने सवाल पूछो। मुझे पता पिछले साल हम ये नहीं कर पाए थे, पर इस साल परंपरा जारी है। तो आओ यार, अपनी नाभि में से रुई निकालना बंद करो और शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। इज इट ऑफ बीइंग कैरी मिनाटी? नहीं, गालियां ही तो देनी होती है। Where do you think you would be if you had chosen stand-up comedy instead of YouTube? Stand-up comedy? जेल में। आपने कभी जिसे रोस्ट किया हो वो बंदा कभी आपके पास आकर आपसे झगड़ा किया है? देखो ये सब कुछ मजाक है, बकचोदी है, कुछ लोगों को ये बात समझ में आती है, कुछ लोगों को नहीं आती, नहीं समझ लेकिन आती। इतना बावड़ा कोई भी नहीं है जो घर पे आ जाए। In the music video of Dindora, I've seen that you do good dance, so will you be the choreographer of Salman भाई? वो मेरी उल्टी कोरियोग्राफी कर देंगे, अब वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो विवेक ओबरॉय वाली करते हैं कटरीना कैफ वाली। What do you think you were in your past life? पिछले जन्म में मैं खूबसूरत जंगल की वादियों में भागने वाला हिरन था, लेकिन क्या करें, ऊपर वाले ने अच्छी आंखें दी नहीं तो मुझे गोली आते हुए दिखी नहीं। और उससे पिछले जन्म में मैं एक बकचोद चिड़िया था जो दिन भर गाड़ियों की आवाज निकालती है। ये भी अच्छा लगा दिया। Who did you feel when one of your videos doesn't perform that well? देखो बुरा सबको लगता है, गांड सबकी फटती है, लेकिन कोई भी तुम्हारा बुरा काम याद नहीं रखता, सब तुम्हारा अच्छा काम याद रखते हैं। तो जब तक मौत ना जाना बस करते रहो। What are your future plans regarding to buy the channel? Question, 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 love you, carry bite. तो पिछले साल तुमने देखा होगा कि वीडियोस काफी अलग तरह की आई थी और बहुत कम आई थी। बहुत लोग कह रहे थे तू बावड़ा हो गया है, अब शायद तेरे से वीडियो बन नहीं रही है। तो शायद तुम्हें पता ना हो पर मैं हर साल कुछ अलग करने की कोशिश करता हूँ, पता नहीं बस चुल मचती है मेरे, कीड़ा मेरे अंदर। तो वो जो स्केच वीडियोस थी उन्होंने मेरा सारा वक्त ले लिया, और वो इसलिए ले लिया क्योंकि मुझे वो बनानी आती थी नहीं, तो मैं भी कर करके ही सीख रहा था। बहुत लोग कह रहे थे कि मत कर यार, चैनल के लिए बहुत बुरा है, जो कि सही बात है, लेकिन तुम मेरे नजरिए से देखो, मैं उन्हें कब बनाऊंगा, जब मैं 40 साल का हो जाऊंगा। इस साल मैंने फैसला लिया है कि मैं तुम्हें दोनों चीजें दूंगा, दोनों चीजें, रोस्ट वीडियोस भी आएंगी, स्केच वीडियोस भी आएंगी। तो इस साल बकचोदी की कमी बिल्कुल नहीं होगी। इन टोटल हाउ मेनी वॉइसेस कैन यू मिमिक एंड शोस ऑल ऑफ योर वॉइसेस टू अस प्लीज? मैं तुम्हें सारी तो नहीं सुना पाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें कुछ सुना सकता हूँ जिन्हें तुम पहचान पाओ। हेलो 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 यू वन यू वॉच पोकेमोन और हेंटाई? कोनिचा किशे। देखो बचपन में पोकेमोन, जवानी में हेंटाई। मेरा प्यार, रानी में मेरी जिंदगी, देखो हेंटाई और हिला हाथ, रानी में देखो मेरे साथ। बच्चों को
कब करोगे, शादी से पहले या शादी के बाद? हाँ, देश की पॉपुलेशन कम चल रही है ना, मैं क्या, सबको योगदान देना चाहिए। और एक बात बताओ, अगर मैंने बच्चा कर लिया तो वीडियो कौन बनाएगा? तुम तो लिखते रहोगे वीडियो का है, वीडियो का है, और यहाँ मैं बैठ के बच्चे की हगी मूती साफ कर रहा हूँ। भाई मेरा सवाल है, तेरी शादी कब होगी? सर यू आर माय बेस्ट यूट्यूबर, शादी कब कर रहे हो? अरे रुक जाओ यार, ये कैसा प्रेशर है? मैंने शादी कर ली ना तो इंडिपेंडेंस डे पे लोग पतंग उड़ाते हैं, मैं कटवा रहा हूँगा। मैं ना आसमान में दिलचस्पी रखता हूँ, घोंसलों में नहीं। पहले शादी करवा लो, फिर डिवोर्स करवा लो, फिर आधी जायदाद दे दो, फिर सेनाई की धुन पे काम कर लो अपनी। फ्यूचर तक बता दिया। ये बहुत बढ़िया पार्ट था, ये बहुत बढ़िया पार्ट था। Ever created a script or a video that you didn't release fearing controversy? Videos तो इतनी नहीं है पर script? script तो बहुत है जो release। ये लो, ये भी लो, बहुत ये भी लो, ये शोभित का पान मसाला, सूरत की final hitman, घर घर का प्यार, ना जाने कितनी बकचोदी कहते हैं डॉक वोल्ट में। डॉक वोल्ट, डॉक वोल्ट, आर्कटिक फॉक्स की नई पेशकश। ये एक ऐसी वस्तु है जिसमें तुम पासपोर्ट, आधार कार्ड, गाड़ी के कागज, जमीन के कागज, मैथ्स का पेपर सब इसमें छुपा सकते हो। ये वाटर प्रूफ है तो तुम इसके साथ नहा भी सकते हो। मुझे नहीं पता ऐसा कोई क्यों करेगा, पर जिसको जो भाए। इसमें वैक्यूम टाइप जिपर है और ये छोटे साइज में भी आता है। छोटे Do you feel performance pressure before uploading a video? ऐसे समझो वीडियो अपलोड करना एग्जाम्स की तरह है कि भैया एक दो महीने लग के तुमने अपनी मरवा ली और आज रिजल्ट डे है तो पेट में बुलबुले फूट रहे हैं, दिल की धड़कन विन डीजल से भी ज्यादा तेज हो रखी है, हाथों में पसीना आ रहा है और YouTube की अलग ही बकचोदी चल रही है। पता नहीं इस बार कौन सा रंग देखने को मिलेगा, हरा या पीला। अगर पीला है तो दीवार में सर दे दो, मजे ही मजे। तुम अपने साथ एक डॉल क्यों रखते हो, वो ग्रीन कलर का, प्लीज बोल दो। इसलिए रखता हूं ताकि मैं वीडियो बनाते हुए अकेला ना महसूस करूं। ये मेरी मानसिक और शारीरिक दोनों जरूरतें पूरी करता है। बीस्ट एक्टर अकॉर्डिंग टू यू? इस दुनिया में बहुत बढ़िया बढ़िया एक्टर्स हैं, लेकिन एक एक्टर है जिसे ना तो हॉलीवुड ना ही बॉलीवुड कोई नहीं हरा सकता। इस बेचारे का कोई कसूर नहीं। बेस्ट आंसू दिखाए थे ना फिर से। कसम से आज भी रोना आ जाता है, इतनी नेचुरल एक्टिंग की ना कुत्ते ने, कसम से कुत्ता ही लग रहा है। व्हाट्स द फनीएस्ट/वीएडेस्ट फैन मोमेंट दैट हैड हैपेंड विद यू? एक बार मैं मेडिकल स्टोर पे क्रोसीन लेने जा रहा था, लेकिन अचानक तुम में से कुछ प्यारे लोग वहां पे आ गए तो मैं सही में क्रोसीन लेके वापस आ गया। खैर यही तो तुम लोगों का प्यार है ना? इस बेचारे का कोई कसूर नहीं। When are you calling old Carrie back? रुक जाओ, अभी कॉल करता हूँ। और मुझे ये बात बताओ यार, एक वक्त में तुम हेलो, अरे छोटे बीज वाले नपुंसक, अच्छा, मैं वीडियो बना रहा हूँ। हाँ हाँ, तो मैं कौन सा यूपीएससी के पेपर दे रहा हूँ? ये कौन सी बीमारी है, तुझे कितनी बार कहा है अपना लंड तालाब में मत डुबाया कर, भूल जाएगा। वो अनपढ़ यूपीएससी बीमारी का नाम नहीं है। अनपढ़? अनपढ़ किसे कह रहा है, मैंने ड्रॉप आउट किया है। देखो घंटा फर्क नहीं पड़ता, सब बारहवीं फेल ही कहते हैं। अच्छा सुन, तू यहाँ आ जा। ओहो, भविष्य में जाने का मौसा। हाँ वही वही वही, तेरे को ये आज की कम्युनिटी गाइडलाइंस भेज रहा हूँ। पढ़ रहा हूँ। ओहो, मार दो बहनचोद, मैं लचीलापन के निप्पलों के बल चलने को तैयार हूँ, पर मैं नहीं आऊंगा। तू बड़ा टट्टा है ना, तू संभाल। अबे फट क्यों रही है तेरी, साथ मिलके करेंगे ना। मेरे मुठिया पेलने का समय हो रहा है, तू गू खा ले। मुठल रुक जा। हेलो गया। हेलो, वो तो बहुत खतरनाक रोस्ट हो रहा है उस टाइम। आ रहा है। तो यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, मुझे माफ कर देना, मैं बाकी जरूरी सवाल नहीं ले पाया, जैसे कि व्हाट इफ आई विल आस्क यू फॉर योर एस। नहीं, मुझे सही में अफसोस है। खैर मुझे तुम सबको थैंक यू कहना था, क्योंकि चाहे कितनी ही बकचोदी झेलनी पड़ रही हो, मैं जहां भी जाता हूं तुम लोग बहुत प्यार देते हो, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आए तो लाइक मारो, एम करते हैं 3 मिलियन लाइक्स के लिए। और अगर तुम्हें भी डॉक वॉल्ट चाहिए तो आर्कटिक फॉक्स की वेबसाइट पे जाइए, ये वाटरप्रूफ के साथ फायर रिटार्डेंट भी है, तो आपके सारे कीमती डॉक्यूमेंट्स इसमें सुरक्षित रहेंगे। एक्सक्लूसिव लॉन्च डिस्काउंट भी चल रहा है, तो फटाफट डिस्क्रिप्शन के लिंक पे क्लिक कीजिए।
अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे मुठिया पहनने जाना है, बाय। सो रहा है तो उठ जा, अगर उठा हुआ है तो उड़ जा, इस जमीन की कोई जंजीरें तुझे नहीं रोक सकती। हेलो हेलो सावित्री, अरे फोन मत किया अगर यार, मोटिवेशन दे रहा हूं अभी, अभी रुक जा यार, अरे कल ही तो लेके आया था तू, कितना पिएगी फट जाएगी क्या। ये कोई गाना आने वाला है क्या, कह रहेगा नहीं लास्ट वाली, नहीं लेकिन लास्ट वाली वीडियो में तो गाना था जो था रहा, जोगिंदर रोस्ट किया था इसमें, उसमें तो गाना था लास्ट में भी, लेकिन बहुत मजा आ गया मेरे को भाई ये Q&A तो शादी वाला जो था ना वो तो सच में विसल ब्लोइंग वाला माहौल पूरा ऐसा था, रोस्ट वीडियो चल रही हो पहली बात तो सच में, और अब बता दिया उसने भाई कि रोस्ट वीडियोस भी आएंगी और स्केच वीडियोस भी आएगी और भर भर के वीडियोस भी आने वाली है। और सबसे बड़ी बात एक चीज मैं बताता हूँ कि मतलब बेस्ट Q&A मेरे हिसाब से अब तक का लाइफ में, मतलब कि नॉर्मल Q&A हम देखते सीरियस या क्यूटी पाइज टाइप होते हैं ऐसे, ये भाई साहब ऐसा था ब्लॉकबस्टर, आवाज कितनी मिमिक्री कितनी सारी थी ना, फुल एंटरटेनमेंट, मतलब एक कारण कुछ ही मिमिक्री दिखा पाऊंगा, कुछ पंच में भर गए। हां एक तो वो जो ताऊ वाला हमेशा ही करता है, और जो वो एक्सटेंशन वाली भी अच्छा, एक सनी देओल वाला तो हां क्योंकि शुरू में ही वही था ना, वो कैरी देओल करके था जो शुरू में नाम था। हां मेरे को सच में बहुत मजा आया ये Q&A देख के, और जो लोगों के कलाकारों वाले क्वेश्चन थे ना एक से बढ़कर वो बड़े मजेदार थे, व्हेन आर यू कॉलिंग ओल्ड कैरी भाई, उसी टाइम मिला दिया पर ले भाई बात, वो फ्यूचर प्रेजेंट से पास्ट में कॉल कर दिया और फ्यूचर का बता दिया, तुझे गाइडलाइन भेज, एक नहीं सच में एक चीज नोटिस करी, प्रेजेंट में बैठे बैठे पास्ट में कॉल किया है और ये बताया कि फ्यूचर में दोनों टाइप की वीडियो आएंगी, आज वाला कैरी स्केचेस टाइप भी और जो रोस्टिंग चलती है वो भी आएंगी साथ साथ। लेकिन मुझे वो अच्छा लगा कि आएगा, रुक जा तुझे कम्युनिटी गाइडलाइन बता देता हूँ, खतरनाक स्ट्रिक्ट हो गए बहुत, खतरनाक होते यार ये, और सच में ये लोगों का प्यार भाई। और एक चीज है, अब लोग समझ रहे हैं कि पहली बस एक चीज की कमी है अभी भी, कि लोग जो एज एन ऑडियंस देखते हैं ना, कुछ लोग हैं जो वो ये नहीं समझ पाते कि ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, तो वो लोग जाके हेट फैलाने लग जाते हैं आगे वाले को, कह रहे हैं ना कि सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होती है लोग, एंटरटेनमेंट के लिए तो तभी कोई वो कह रहा है घर पे भी नहीं आता, कोई नहीं आता ऐसे हरकत करने, क्योंकि लोग अब समझ रहे हैं कि रोस्टिंग एक कैटेगरी है जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पज। और बहुत बढ़िया Q&A था, मौज करा दी Q&A ने, और वो लास्ट में दिखाया ना एक तो क्वेश्चन कितने खतरनाक थे, सॉरी यार ये क्वेश्चन मैं ले नहीं पाया, जरूरी क्वेश्चन मांग रहा है सीधा भाई सब कम करके हैशटैग ये कह रही, और शादी पे तो कितने सारे क्वेश्चन थे भाई, ये कैसा प्रेशर है, कैसा प्रेशर है, कह रहे कि मतलब शादी करो, बच्चे करो, तलाक करो, फिर जायदाद दे दो, जायदाद दे दो, कह रहे फिर ये सब वीडियोस कौन बनाएगा, मैं उसको सुपोर्टी साफ करते रह जाऊंगा, मौज करा दी। एंड लास्ट ईयर क्यों नहीं आया था ना, पूरी भरपाई हो गई इस वाले Q&A में, पूरी भर भर के फुल एंटरटेनमेंट से भरपूर था, एंड आई एम श्योर आप लोगों ने काफी एंजॉय किया होगा। तो कमेंट में कर दे एक बार कैरी बनाती ओपी, बाकी और वीडियोस आप सजेस्ट करते हो, पुराने Q&A पे भी आप रिएक्शन चाहते हो जरूर बताना, लेके आएंगे पक्का। टिल देन बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।